Hello students, welcome to BPST in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue on your career time. Use your time, students, on regular basis as study purpose. So let's start our topic, students. As you know, कि जो हमारा जो upper topic है English literature में वो supplementary के अंतर्गत चल रहा है जो कि लेसन नंबर वन है. लेसन नंबर वन जिसमें आपने अभी एट्रम ऑफ सर्जरी का स्टडी के माध्यम वीडियोस के माध्यम से किया है, जिसमें आपको दो वीडियोस सेंड किए जा चुके हैं. पहला समरी यानी सारांश का सेंड किया गया है. दूसरा जो है शॉर्ट आंसर का आपको वीडियोस भेजा गया है. और तीसरा जो आज यहाँ पे हम आपके लिए लेसन कंप्लीट करने का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि एट्रम ऑफ सर्जरी जैक किने जिसमें लॉन्ग आंसर का स्टडी आज आपको करना है. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्वेश्चन नंबर वन यहाँ से. तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द डायरेक्टर, डू यू थिंक द डायरेक्टर, डू यू थिंक द नैरेटर ऑफ विटरनरी, ऑफ विटरनरी VETERINER विटरनरी सर्जन इज, सर्जन इज Would you say he is a? Would you say he is a tactful? He is a tactful as well as. ये आपका क्वेश्चन है. तो देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्या तुम सोचते हो जो ऑर्डर करता है, ए वेटरनरी सर्जन या एक वो शल्य चिकित्सक है. वुड यू से ही इज अ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, क्या तुम ये कहना चाहोगे कि वो अपने कार्य के प्रति बिल्कुल गंभीर है जैसे उसमें कार्य क्षमता की प्रदर्शित होती है. तो ये आपका क्वेश्चन है. तो देखते हैं इसका आंसर. तो आंसर शुरुआत करते हैं, आपको इसमें एक साथ तीन क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करने होंगे. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर भी थोड़ा लॉन्ग ही रहेगा, तो जैसा स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं. तो देखते हैं द नरेटर ए विटरनरी सर्जन, द नरेटर आ विटरनरी सर्जन वर्णन करता एक पशु चिकित्सक है. आगे ही इज ए वेरी ऑनेस्ट एंड honest and compassionate man. He is a very honest and compassionate
मैं। वह एक बहुत ही ईमानदार और दयावान व्यक्ति है। इसके बाद he does not unnecessarily operate upon Turkey. He does not unnecessarily He helped him
to recover from his problem. उसकी परेशानी में उसे उबारने में मदद किया मिसेज पंपरी की जो डॉग थी ट्रिकी डॉक्टर मिस्टर हैरिट ने उसको सहायता किया। तो देखते हैं he did not unnecessarily on medicines. उन्होंने उसे अनावश्यक रूप से दवाइयों को नहीं दिया। तो ये आपके यहाँ पर पहला हेडिंग होता है। उसके बाद इसे में लॉन्ग आंसर में दूसरी हेडिंग में इंडिकेशन रखा है जो आपको याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब नंबर हेडिंग टू पड़ेगा उसे फर्स्ट हेडिंग बोल सकते हैं ही जाएगा फॉर टर्की टिकी के लिए उनका विचार। देखते हैं कैसे आ गया जी मिस्टर हैरिट के पास। व्हेन मिस्टर हैरिट नोज दैट टिकी नोज दैट tricky knows that tricky is suffering from serious health. Tricky is suffering from serious health. Suffering from serious health. Serious health. He admitted Tricky in hospital. तो यहां पे जब मिस्टर हैरिट ने जाना कि ट्रिकी एक गंभीर स्वास्थ्य से संघर्ष कर रही है उन्होंने ट्रिकी को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। In the care of his treatment, अपने उपचार की देखभाल में उन्होंने उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। He gave Tricky no food. उन्होंने Tricky को कोई भी भोजन नहीं दिया। But plenty of water. लेकिन उन्होंने उसे अत्यधिक मात्रा में केवल पानी दिया, यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया। He kept him on strict diet. उन्होंने उसे एक कठिन डाइट पर रखा। After some days, कुछ दिनों के बाद Tricky was completely recovered. कुछ दिनों के बाद ट्रिकी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। ये क्वेश्चन नंबर लाल टू रहा जो कि आपको मेंशन किया गया है बच्चों।
जैसे कि आप लोग लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। जो लॉन्ग लेसन नंबर 1 है ये यहीं से एंड होता है। आई होप दैट यू ऑल आर स्टडीड वेल, ये यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद एक और लॉन्ग बचेगा जो आपको बहुत जल्दी ही आप तक पहुँचाया जाएगा। तब तक के लिए यहीं पर इसे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में। आप लोग स्टडी अच्छे से करते रहें ताकि आपको कोर्स बैग न होने पर किसी भी कीमत पर। सो बच्चों मिलते हैं एक टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा एंड लेट बाय।